स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने बात की थी रियल इमेज फॉर्मेशन के बारे में। आज जो हमारा सेकेंड रे डायग्राम है वो है ये वाला कि जब हमारे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस पर वर्चुअल इमेज की फॉर्मेशन होती है तो रे डायग्राम कैसे कैसे होता है। मैं पूरा आप लोगों को चाहिए दे दूंगी कि ये है। आपको अपने आप उसी चीज को, जैसे मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था कि रियल इमेज में हम कैसे करते हैं, वैसे ही आपको आगे सारा सॉल्व करना है इन इक्वेशंस को, और ये आंसर अपने आप अपनी अपनी नोटबुक्स में प्रूफ भी करना है। यू ऑल हैव टू प्रूफ दिस आंसर इन योर फेयर नोटबुक्स। यू नीड टू प्रूफ दिस आंसर, दिस प्रूफ इन योर फेयर नोटबुक्स। क्या हो रहा है भाई यहाँ? मैंने कहा मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रे है, मेरी एक इंसिडेंट रे है ओ ए, मेरी एक इंसिडेंट रे है भाई ओ ए। जो इंसिडेंट रे ओ ए है, जब कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ी और रिफ्रैक्ट हुई, कन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर पड़ी और रिफ्रैक्ट हुई सपोज अलोंग ए बी, नाम लेने लो नहीं लेना तो डायरेक्ट लिख दो, हमने डायग्राम में शो किया है। मैंने कहा कि मेरी एक इंसिडेंट रे है ओ ए जो कन्वेक्स सरफेस पर रिफ्रैक्ट हुई अक्रॉस ए बी, ए बी के अक्रॉस को रिफ्रैक्ट हुई। यहां जो मेरी नॉर्मल है इस डायग्राम में, इस रे डायग्राम में जो मेरी नॉर्मल रे है वो है सी ए एन, दिस इज माई नॉर्मल रे, ये मेरी नॉर्मल रे है। अब ये मेरी वो रे है जो रिफ्रैक्ट हुई, अगर इस रे को मैं पीछे एक्सटेंड करती हूं, इफ आई एक्सटेंड द रिफ्रैक्टेड रे ए बी, देन आई विल ऑब्टेन अ पॉइंट आई। हेयर आई इज दैट पॉइंट वेयर द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस। हो क्या रहा है अभी देखो, ओ जो ओ ए से जब मेरी कोई रे इंसिडेंट हुई ए बी के क्रॉस, वो मेरी रे जो है वो रिफ्रैक्ट हुई। इसके अलावा जो मेरे पास दूसरी रे है ओ पी, जो मेरे पास दूसरी रे है ओ पी, वो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर जब इंसिडेंट हुई तो वो अनडेविएटेड पाथ फॉलो करती हुई, आप कह सकते हो कि जिस पाथ से वो आ रही थी बिना किसी डेविएशन के, वो ओपी के क्रॉस इंसिडेंट हुई तो पीसी के क्रॉस आगे बढ़ गई। ठीक है, ओपी के क्रॉस इंसिडेंट हुई और पीसी के क्रॉस आगे बढ़ गई। अगर मैं इस रे को, इस ओपी रे को पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दूं और जो मेरी ए बी रिफ्रैक्टेड रे है उसको मैं बैक की तरफ एक्सटेंड कर दूं, तो आई वो पॉइंट है जहां पर रेस मीट करेगी। अब यहां पर एक लॉजिक होता है भाई, रेज डू नॉट एक्चुअली मीट, असली में तो वो मीट नहीं कर रही थी, वो तो हमने इसको एक्सटेंड किया, हमने मीट करवाई है सो दैट द फॉर्मेशन ऑफ इमेज टेक प्लेस। ऐसे केसेस में हम लोगों की जो इमेज बनती है वो कौन सी इमेज होती है? वर्चुअल इमेज होती है। ऐसे केसेस में द इमेज फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड एज वर्चुअल इमेज। इंपॉर्टेंट क्या है भाई आपके लिए कि ये रे डायग्राम आप लोगों को बनाना आना चाहिए। आई अगेन हमारा इंसिडेंस एंगल है, आर हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल है, अल्फा बीटा गामा मेरे एंगल्स हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले वाली जो हमने रियल इमेज फॉर्मेशन का केस सारा किया था उसमें भी मैंने बात की थी। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। स्नेल्स लॉ का यूज करते हो, स्नेल्स लॉ क्या होता है भाई? स्नेल्स लॉ भाई है, हम लोग पढ़ते हैं भाई, डबल एल कंफ्यूज हो तो ना, हम लोग पढ़ते हैं स्नेल्स लॉ के बारे में, टेंथ में आ जाता है। स्नेल्स लॉ कहता है कि म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई बराबर होगा म्यू टू इंटू साइन ऑफ आर के, म्यू वन इंटू साइन ऑफ आई इज इक्वल टू म्यू टू इंटू साइन आर, और म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई। म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू साइन आर बाय साइन आई।
एंड इफ द एंगल्स आर स्मॉल, अगेन इफ द एंगल्स आर स्मॉल तो साइन आर को आप लोग आर ले सकते हो, साइन आई को आप आई ले सकते हो. इफ द एंगल्स आर स्मॉल देन साइन आर अप्रोचेस टू आर, साइन आई अप्रोचेस टू आई. तो इक्वेशन बन जाएगी म्यू वन बाय म्यू टू, म्यू वन बाय म्यू टू इज इक्वल टू आर बाय आई और म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर. अब ये दो इक्वेशन कहाँ से आई है भाई, भाई आपने कहा नहीं ये तो हमें आ गई समझ. अब ये जो दो इक्वेशन हैं आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा एंड आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा. आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा एंड आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा कहाँ से आई है. कल मैंने बोला था एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स. सिंपलेस्ट फॉर्म जो है थ्योरम की वो ये है कि एक्सटीरियर एंगल सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है. फॉर एग्जाम्पल मैं ट्राइंगल लेती हूँ ये वाला, इन ट्राइंगल एओसी, एओसी ट्राइंगल में इन ट्राइंगल एओसी मैं लिख सकती हूँ गामा प्लस अल्फा, दोनों इंटीरियर एंगल है. एओसी ट्राइंगल के लिए क्या गामा और अल्फा दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं, बोथ आर इंटीरियर एंगल्स एंड आई एक्ट एज द एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा. Therefore, I is equal to gamma plus alpha. Now consider the another triangle. मैंने triangle लिया AIC. AIC triangle में again using the same theorem, I can write R is equal to beta plus gamma. Now on using the same procedure जो हम लोगों ने पहले वाली videos में भी adopt किया है, you need to prove, you all of you need to prove this in your fear notebooks by yourself. और ये this also act as an assignment. एक दिन मैं आप लोगों को कहूंगी भी और आपको इसका प्रूफ मुझे भेजना भी. ओके नाउ पर्सुइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक. तो ये आप लोगों को करना है भाई. अगेन बार मैं कह रही हूँ कि पहले वाला जो भी जो वीडियो थी उससे मैंने बताया था कि कैसे कैसे प्रूफ करते हैं, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो कीजिए और प्रूफ भी कीजिए. नेक्स्ट नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अगेन द रिफ्रैक्शन फ्रॉम मिरर टू डेसिमीडियम फॉर कंकेव सरफेस. अगर कंकेव सरफेस है तो कैसे रिफ्रैक्शन होता है भाई मिरर टू डेसिमीडियम. अगेन ये मेरा दो मीडियम्स है मेरे पास पास अगेन दो मीडियम्स हैं. ये मेरा रेयरर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू वन, ये डेंसर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू टू. नाउ मेरे पास एक इंसिडेंट रे है भाई ओ ए, मेरे पास एक इंसिडेंट रे है ओ ए. ये जो रे है इंसिडेंट रे ओ ए, दिस रे, दिस इंसिडेंट रे व्हेन फॉल ऑन दिस सरफेस, जब ये ओ ए इंसिडेंट रे इस सरफेस पर फॉल करती है तो ये रे टुवर्ड्स द नॉर्मल. अब यहाँ पर नॉर्मल क्या है भाई, जो मेरा सी ए एन है, सी ए एन, सी एन ये मेरा नॉर्मल है. जब रे ओ ए इंसिडेंट हुई कंकेव सरफेस पर तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, द रे अगेन बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई और जब इस रे को अगेन, इस रे को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, व्हेन आई हैव एक्सटेंडेड दिस रे ए बी, दिस रिफ्लेक्टेड रे ए बी इन बैकवर्ड डायरेक्शन, इन बैकवर्ड डायरेक्शन इस रे ए बी को मैंने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो मुझे आई पॉइंट मिला, आई पॉइंट मिला. अब ये आई पॉइंट वही है कि मान लो मेरी स्ट्रेट रे जा रही थी और वो रे जाने के बाद भी आगे की तरफ सीधी ही गई, कंकेव सरफेस के टकराने के बाद भी वो सीधी ही गई, वही पुरानी सेम कहानी, क्या कुछ नहीं है, वही पुरानी चीज जो अभी तक हम लोग करते आए. अब यहाँ पर जो आई पॉइंट है यहाँ पर मेरा इमेज फॉर्मेशन होगा, द इमेज फॉर्मेशन अकर्स एट पॉइंट आई, अल्फा बीटा गामा मेरे एंगल अगेन वही है जिनकी हम लोगों ने पहले की बात की है.
Again, these are those angles with which we have talked in our previous lectures also. Now, ये रहा हम लोगों का ray diagram. Again, मैंने पहले भी कहा है कि paper में ray diagram आराम से बनाना, pencil का use करना, क्योंकि गलतियाँ हो सकती हैं. जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से रे डायग्राम बना पाओगे. ये मेरा इंसिडेंस एंगल है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है. वीडियो में अगर देखने में दिक्कत है तो मैं इसके पिक बड़ा फन डायग्राम बनाए हुए हैं, मैं वो भी आपको व्हाट्सएप पर शेयर कर दूंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. अपनी क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. अभी गोइंग टू दी क्वेश्चन अगेन बाय स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ से हमें क्या मिलता है कि म्यू वन इंटू साइन आई क्या होगा, म्यू टू इंटू साइन r, mu 1 into sin i is equal to mu 2 into sin r. अब sin i को i कब लोगे और sin r को r कब लोगे? मैंने कहा when angles are small, जब एंगल छोटे हैं तो sin i approaches to i and sin r approaches to r. ये इक्वेशन बन जाएगी mu 1 i is equal to mu 2 r और mu 1 by mu 2 is equal to r by i. mu 1 by mu 2 is equal to r by i. Now, पहले जैसे मैंने सिखाया था कि हम इंटीरियर एंगल कह रहे हैं कि दो दो इंटीरियर एंगल का सम है वो एक्सटीरियर के बराबर होता है. सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू दी एक्सटीरियर एंगल. उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए, ऑन यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी, वी विल गेट I is equal to gamma minus alpha and R is equal to gamma minus beta. कैसे आया है? वही पुरानी प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए हम कह सकते हैं कि जो मेरा I है वो गामा माइनस अल्फा है और जो मेरा R है वो गामा माइनस बीटा. I is equal to gamma minus alpha and R is equal to gamma minus beta. Now ये इक्वेशन क्या थी? म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर. इक्वेशन क्या थी? म्यू वन आई इज इक्वल टू म्यू टू आर. तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो, म्यू वन इंटू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा. म्यू वन इंटू गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू म्यू टू इंटू गामा माइनस बीटा. नाउ अब क्या करेंगे? गामा की जगह क्या लिख सकते हो? एम बाई एम सी. गामा इज इक्वल टू एम बाई एम सी. अल्फा इज इक्वल टू एम बाई एमओ. बीटा इज इक्वल टू एम बाई एम आई. ठीक है, अल्फा क्या है? एम बाई एम ओ. बीटा क्या है? एम बाई एम ई. और गामा क्या है? एम बाई एम सी. ये अल्फा बीटा और गामा की क्या है? वैल्यूज है. तो हमारी फाइनल इक्वेशन बच्चों बन जाती है म्यू वन इंटू एम बाई एम सी माइनस एम बाई एम ओ इज इक्वल टू म्यू टू इंटू एम बाई एम सी माइनस एम आई एम आई. अब इसके आगे क्या करते हैं? मैंने पहले भी कहा था, अगेन वही पी क्लोज टू एम है तो हम एम सी को क्या ले सकते हैं? पी सी ले सकते हैं. एम ओ को हम ले सकते हैं पी ओ. एम आई को ले सकते हैं पी आई. एंड ऑन यूजिंग द वैल्यूज ऑफ ऑल दोज थ्री वेरिएबल्स वी हैव टू डिराइव द फाइनल इक्वेशन. वी हैव टू डिराइव द फाइनल इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयर टू डेंस मीडियम at the concave surface, at the concave refracting surface. आगे देखते हैं भाई. Now, next ये हम लोगों की बच्चों last equation आई थी इससे previous short में. Last equation हमारी थी mu1 into m by mc minus am by mo is equal to mu2 into am by mc minus am by mi. Now, if m is close to p, अगर M और P पास पास हैं, तो हम कह सकते हैं कि एम सी अप्रोचेस टू पी सी, एम आई अप्रोचेस टू पी आई, एम ओ अप्रोचेस टू पी ओ. ठीक है, अगर M क्लोज टू P है तो हम कह सकते हैं कि एम सी अप्रोच करता है पी सी को, एम आई अप्रोच करता है पी आई को और एम ओ अप्रोच करता है पी ओ को. यानी कि हमारी क्वेश्चन क्या बन जाएगी? दिस क्वेश्चन विल टेक द फॉर्म म्यू वन वन बाय में पी सी माइनस वन बाय में पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू इंटू वन बाय में पी सी माइनस वन बाय में पी आई. क्यों? ए एम मान लो मैंने इधर से कॉमन ले लिया, उधर से कॉमन ले लिया, तो जो मेरा ए एम है वो लेफ्ट साइड और राइट साइड से कैंसिल हो गया.
on cancelling M from both the sides and taking the case M is close to P, हमें ये वाली equation मिल जाएगी. Now on rearranging the terms, अगर इस equation की terms को मैं rearrange करती हूँ तो मैं लिख सकती हूँ म्यू टू बाय में पी आई माइनस म्यू वन बाय में पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन, म्यू टू माइनस म्यू वन बाय में पी सी. ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे आई, मैंने रीअरेंजमेंट की, और जो मेरी इक्वेशन है म्यू वन इंटू वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू इंटू वन बाय पी सी माइनस वन बाय पी आई, वो बन गई म्यू टू बाय पी आई माइनस म्यू वन बाय पी ओ इज इक्वल टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाय पी सी. नाउ ऑल द टर्म्स वेदर इट्स आर यू एंड वी सभी लेफ्ट साइड पर प्रेजेंट है, चाहे वो पीसी की वैल्यू है, चाहे वो पीओ की वैल्यू है, चाहे वो पीआई की वैल्यू है, यानी वो वी है, वो यू है, वो आर है, ऑल ऑफ देम आर नेगेटिव. पीआई होगा माइनस वी, पीओ होगा माइनस यू और पीसी होगा माइनस आर. पीआई होगा माइनस वी, पीओ होगा माइनस यू और पीसी होगा माइनस आर. सो ऑन यूजिंग दिस टर्म and on cancelling the negative sign, the minus sign from both the sides, हमें equation बन जाएगी, final equation हमारी मिलेगी mu2 by में v minus mu1 by में u is equal to mu2 minus mu1 by में r, mu2 by में v minus mu1 by में u is equal to mu2 minus mu1 by में r. इस equation से मुझे वो वाली final equation जो है वो मिल गई. सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द रिफ्रैक्शन फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम फॉर कंकेव सरफेस. अगेन स्टेप्स मैंने पहले भी कहा है कि सेम ही है और सेम ही रहेंगे. सो जो आपको मैंने होमवर्क दिया है इससे पहले वाला, थोड़ा सा उसमें जो पार्ट रह गया है वो आपको कंप्लीट करना है. एंड बी रेगुलर विद वीडियोस, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टडी हार्ड. थैंक यू. ऑप्टिक्स है भाई, ठीक है, थोड़े सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, बट जो रे ऑप्टिक्स या वेव ऑप्टिक्स आगे आएगी वो ज्यादा प्रैक्टिस मांगती है, तो अपना रेगुलर इसके साथ पढ़िए, आगे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए. थैंक यू.